हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल 2020 के फाइनल मैच के बारे में। दोस्तों, आईपीएल 2020 के फाइनल में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें हैं। दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को हराकर आईपीएल 2020 के फाइनल मैच में प्रवेश किया है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो उन्होंने पिछले मैच में सनराइजर हैदराबाद को हराकर आईपीएल 2020 के फाइनल मैच में एंट्री मारी है। तो दोस्तों, देखा जाए तो दोनों टीमों का आईपीएल 2020 में बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है। दोस्तों, आईपीएल 2020 के फाइनल मैच में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच टक्कर होगी। दोस्तों, आईपीएल 2020 का खिताब जीतने के लिए दोनों ही टीमों ने तैयारियां शुरू कर दी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल 2020 का खिताब कौन सी टीम जीतेगी। दोस्तों, हम इन दोनों ही टीमों का आईपीएल 2008 से लगाकर आईपीएल 2020 तक इन दोनों टीमों के रिकॉर्ड्स और आंकड़ों पर नजर डालेंगे, ताकि इस आकलन से हमें पता चलेगा कि इन दोनों टीमों में से बेहतर टीम कौन सी है और आईपीएल 2020 का खिताब कौन सी टीम जीतने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2008 से लगाकर आईपीएल 2020 तक 202 मैच खेले हैं। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो इन्होंने 193 मैच खेले हैं। मुंबई इंडियंस ने 117 मैच जीते हैं, वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने 83 मैच जीते हैं। मुंबई इंडियंस ने 81 मैच हारे हैं, वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने 104 मैच हारे हैं। आईपीएल में मुंबई इंडियंस का विनिंग परसेंटेज 57.92 है, वहीं दिल्ली कैपिटल्स का विनिंग परसेंटेज 43.01 है। मुंबई इंडियंस ने 4 बार आईपीएल का खिताब जीता है, वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने एक भी बार खिताब नहीं जीता है। मुंबई इंडियंस का आईपीएल में 4 मैच टाई रहे हैं, वहीं दिल्ली कैपिटल्स के 3 मैच टाई रहे हैं। मुंबई इंडियंस का एक भी मैच नो रिजल्ट नहीं रहा है, वहीं दिल्ली कैपिटल्स के 3 मैच नो रिजल्ट रहे हैं। दोस्तों, अब हम दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड कंपैरिजन करेंगे। दोस्तों, आईपीएल में इन दोनों टीमों के बीच अभी तक 27 मैच खेले गए, जिसमें से 15 मैच मुंबई इंडियंस ने जीते हैं, वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने 12 मैच जीते हैं। मुंबई इंडियंस का दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हाईएस्ट स्कोर 218 रन है, वहीं दिल्ली कैपिटल्स का मुंबई इंडियंस के खिलाफ हाईएस्ट स्कोर 213 रन है। मुंबई इंडियंस का दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ लोवेस्ट स्कोर 92 रन है, वहीं दिल्ली कैपिटल्स का मुंबई इंडियंस के खिलाफ लोवेस्ट स्कोर 66 रन है। तो दोस्तों, आईपीएल 2008 से लगाकर आईपीएल 2020 तक इन दोनों टीमों का ये था प्रदर्शन। दोस्तों, मेरे हिसाब से इन दोनों टीमों में से बेहतर टीम मुंबई इंडियंस है और मेरी फेवरेट टीम भी मुंबई इंडियंस है। तो दोस्तों, आईपीएल 2020 का खिताब मुंबई इंडियंस जीत सकती है। दोस्तों, आपकी राय क्या है? तो दोस्तों, आपके हिसाब से इन दोनों टीमों में से बेहतर टीम कौन सी है और कौन सी टीम फाइनल मैच जीतेगी? तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।